एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया और ये संविधान के 10वीं अनुसूची के अंदर आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून, जिसके द्वारा यदि कोई सांसद या विधायक चुनाव के बाद अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को ब्रेक करता है यानी कि दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस आधार पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो अधिकार है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। सांसद के केस में ये शक्ति पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को होती है और विधायक के कंटेक्स्ट में ये शक्ति विधानसभा के स्पीकर के पास होती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिस्क्वालिफिकेशन पे फैसला होगा उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या 1992 की है। 91st अमेंडमेंट 2003 में एक और प्रावधान किया गया है कि यदि ग्रुप ऑफ मेंबर्स 2/3 की मेजोरिटी के साथ पार्टी तोड़ के आते हैं तो उस आधार पर ये डिफेक्शन का दायरा नहीं माना जाएगा।